जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आर्स विकाश में आप सभी का स्वागत है। बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो आज के शुरू कर लेते हैं। आज की खास वीडियो, अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और इस बार की ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और क्या क्या खास उपाय इस दिन करने चाहिए जिससे आपके घर में सदैव के लिए सुख शांति बनी रहे, तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं 9 जून 2021 को अमावस्या लग रही है दोपहर 1:57 पर और समाप्ति होगी 10 जून को शाम को 4:21 पर। तो 10 जून को सूर्य उदय की अमावस्या होने के कारण पूरा दिन अमावस्या मानी जाएगी और ये अमावस्या भावुका अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। देखें, ज्येष्ठ की अमावस्या को सुनिश्चय जयंती होने के कारण ये अमावस्या और भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि आपको पहले बताया, ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सुनिश्चय जयंती भी है, इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। इतनी महत्वपूर्ण अमावस्या है तो आज के दिन क्या खास ऐसा करना चाहिए? जिनकी कुंडली में शनि की साजसती ढैया या कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं चल रही, उन्हें अवश्य ही शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी हो और आपके रुके हुए कार्य, जिन जिन काम में आपको बाधाएं आ रही हैं, वो सभी बाधाएं मिट जाएं। क्या करना चाहिए आपको? शनि मंदिर जाकर शनि देव के चरणों में पीपल के तले सरसों के तेल का दीपक जलाइए, साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गरीबों को नमकीन खाद्य पदार्थ दान करना चाहिए। मजदूर गरीब लोगों का सम्मान करना चाहिए। शनि देव के 108 नाम, 10 नाम, शनि भार्याय स्तोत्र, शनि चालीसा, इन सभी का आपको इस दिन पठन करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में जैसे भी स्थिति में शनि देव हैं उन स्थिति को और भी अच्छा मजबूत बनाने के लिए ये सभी आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, शनि देव से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबके मन में एक ही चीज़ बहुत ही घर कर गई है कि शनि देव बहुत ही क्रूर ग्रह है या बहुत ही उग्र ग्रह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि देव न्याय के देवता हैं, शनि देव सच्चाई का साथ देने वाले देवता हैं, जिनको अगर आप प्रसन्न करते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आप अगर गलत काम करेंगे तो शनि देव तो न्याय के देवता हैं, जिस तरह जज के सामने पेश करते हैं ठीक उसी तरह शनि देव के सामने खुद को प्रस्तुत कीजिए। बड़े आदर सम्मान के साथ उनका कोई भी उपाय करेंगे तभी आपको सुफल की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, अगर आप सही कार्य करेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत करके कमाई नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। शनि ग्रह आपकी स्थिति में कैसे हैं और किस तरह से आप इनको जान सकते हैं बिना कुंडली दिखाए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसी कमेंट्स के हिसाब से इस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बनाऊंगी ताकि आप इस चीज़ को जान सकें कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कौन सी स्थिति में है और आपको क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी इतनी ही। इस दिन ग्रहण भी है, ग्रहण पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उसमें पूरी जानकारी है सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कब तक है और क्या उसमें करना चाहिए और भारत में सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी स्थितियाँ हैं सारी उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताई गई हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और, अमावस्या के दिन जो भी रात्रि को उपाय करने हैं वो होंगे रात को, 9 जून की रात को ही रात्रि वाले अमावस्या के उपाय होंगे और 10 जून को सुबह
चार बजे से पहले पहले, शाम के 4 बजे से पहले पहले सुबह वाले जितने भी उपाय होते हैं अमावस्या के, वो आप 10 तारीख को कर सकते हैं। रात्रि के उपाय आपको 9 तारीख को ही करने होंगे। साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हमारा नया चैनल आओ फिर से जी लें तो ज़रूर विज़िट कीजिए, और जितना प्यार आप हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं वहाँ पर भी दिखाइए, और वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए। और जो चीज़ें आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियोस के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट के मुताबिक ही वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके उन वीडियोस से। तो चलिए अभी आज की वीडियो को देते हैं विराम। अगली वीडियो आप ही की सजेशंस के और आप ही के कमेंट्स को देखते हुए मैं लेके आऊँगी। पहले भी एक आप सभी के बहुत से कमेंट आ रखे हैं कि गणेश जी की जो स्तुति है वो आपको चाहिए, तो अवश्य ही 1-2 दिन में ही उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूँगी, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी आगे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको अवश्य ही आपकी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पे वीडियोस आपको उपलब्ध करवाऊँगी। तो अभी के लिए वाणी को देती हूँ विराम, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी को सही जानकारी मिले। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।